हमको तो बहुत सारे काम करना पड़ती है, जैसे कोरोना के समय उनको सलाह बताना पड़ती है, घर घर से बोलना पड़ती है, लाना पड़ती है। फ्रंट लाइन वर्करों के साथ हमारे आशा और उषा दीदी भी शामिल है। कोरोना महामारी में दिन रात एक करके लोगों को सेवा उपलब्ध कराया करती है। इसमें कोई परेशानी होता है क्या आपको? परेशानी तो बहुत होती है, किस प्रकार से? जैसे अपन बोलने जाओ सुनते नहीं, कोई गाली देने लग जाते हैं। कोरोना के समय बहुत सारा किए काम, एक भी पैसे नहीं मिली। और काम का दाम सिर्फ आशा वर्करों को महीने में 2,000, 60 से 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन लोगों को पेमेंट मिलता है। पेमेंट के लिए जैसे एक दिन में हम लोग 24 घंटा दिन का मेहनत करती है, उसमें अपन को मिलते 70 रुपये, तो उसमें घर नहीं चला पाते, तो कम से कम 300 तो मिलना चाहिए एक दिन की। पैसा भी कितना मिलता आपको? अभी 2,000 रुपये मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपका घर चलता है 2,000 में? नहीं, मैं आशा कार्यकर्ता काम करती हूँ। तो किस प्रकार से दिक्कत होता आपको? कभी कभी कोई कोई घर पे डिलीवरी हो जाते, गाड़ी के रास्ता देखते देखते बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। कभी कभी रात पे कोई केस होती तो परेशान हो जाती हैं, फिर डिलीवरी के लिए लंगड़ी जाना पड़ता, वहाँ नहीं हुआ तो फिर बैतूल लेके जाना पड़ता। हम लोगों को मजदूरी भी नहीं पड़ रहा है, ऐसे मनरेगा में काम करने वाले की रेट है 200 रुपया, तो हमारे कम से कम 300 तो भी तो दे दो तो वो भी अच्छी हो जाएगी। हमको ना मजदूरी पड़ रहा ना कुछ पड़ रहा, खर्च करके हमको 50 रुपये मजदूरी भी नहीं बच रहा। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी तरफ ध्यान दे के हमारी पेमेंट बढ़ा दो। इस समस्या से समाधान के लिए हमने एक बैठक किया, बैठक में आवेदन भी लिखा, आवेदन को लेकर के विभागीय अधिकारी को सौंपा गया, लेकिन अधिकारियों ने इनकी सुनी नहीं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया नट के लिए।